इमेजिन करिए, आपको बोला गया कि आपको 50 लोगों के सामने स्पीच देनी है, और अब उनके सामने आप गए, 50 लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, उनको देख के आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, और जब आपके मुंह से शब्द निकलते हैं फाइनली, तो आप हकलाने लगते हो। ये सिचुएशन हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आती है कि हम बहुत लोगों के सामने बोलते समय घबरा जाते हैं, बट हम इसलिए बच जाते हैं क्योंकि हमको बहुत ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग करनी ही नहीं होती। पर अब आप इमेजिन करिए, ऐसा कोई इंसान जिसकी पोजीशन ऐसी है, जिसकी लाइफ ऐसी है कि इसको हमेशा पब्लिक के सामने रहना है और बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस देनी है, और उसके स्पीच में 50-100 लोग नहीं है, 5,000 5,00,000 लोग हैं, और वो इंसान हकलाता है। सोचिए उसके मन में क्या गुजरती होगी, उसको कितना डर लगता होगा। ऐसा सच में एक इंसान के साथ हुआ था। उस इंसान की लाइफ पे एक पिक्चर बनी है जिसका नाम है द किंग स्पीच। पहले मैं आपको इस पिक्चर की मेन कहानी सुनाऊंगा शॉर्ट में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस पिक्चर में जो दिखाया है वो हिस्टोरिकली कितना एक्यूरेट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं और आप मेरे से किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, पर्सनली कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे सामने मिल जाएगा और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक राजकुमार से, इसका नाम है प्रिंस अल्बर्ट। इसके फादर इंग्लैंड के किंग है, इनका नाम है किंग जॉर्ज द फिफ्थ। ये जो राजकुमार है, इसकी लाइफ ऐसे तो पूरी तरह संपन्न है, इसकी एक वाइफ है, दो बच्चियां हैं, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि ये आदमी हकलाता है। क्योंकि ये इंग्लैंड के राजा का बेटा है, तो ऑब्वियसली इसको बहुत जगह पे स्पीचेस देनी पड़ती हैं, पब्लिक अपीयरेंसेस करनी पड़ती हैं, और वहां पे जब वो लोगों से बात करता है, स्पीच देता है और वहां पे हकलाने लगता है, तो लोगों को बहुत तरस आता है उसके ऊपर कि क्या बेचारा स्टेज पे आके हकला रहा है। और इस सबकी वजह से प्रिंस अल्बर्ट और डरता है पब्लिक अपीयरेंस करने से, वो और घबराता है लोगों से बात करने के लिए। इस सब में उसके जो फादर थे किंग, वो इससे बहुत इरिटेट होते थे, उनको लगता था कि ये बोल भी नहीं पाता ठीक से, तो वो उसको हमेशा डांटते रहते थे इस बात के। प्रिंस अल्बर्ट की जो वाइफ थी वो उनको हेल्प करने की बहुत कोशिश करती है, वो उनको डिफरेंट डिफरेंट फिजिशियंस के पास लेके जाती है, स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाती है, ताकि उनका ये जो स्टैमर, जो हकलाने का प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए। सारे स्पीच थेरेपिस्ट कुछ अलग ही अपने अपने तरीके बताते हैं। एक थेरेपिस्ट होता है, वो कहता है कि मुंह में बहुत सारी मार्बल्स रखो और फिर बात करो, तो आप हकलाओगे नहीं, तो वो करके बोलता है, ठीक से बोल भी नहीं पाता है, बट ऐसे अजीब अजीब तरीके उसको बताते हैं लोग। फिर एक दिन उसकी वाइफ को कोई रिकमेंड करता है कि एक स्पीच थेरेपिस्ट है, उसका नाम है लायनल लोग, एक बार उसके पास लेके जाओ अल्बर्ट को। तो प्रिंस अल्बर्ट और उसकी वाइफ जाते हैं लायनल के पास। जब लायनल देखता है कि उनके देश के राजा के बेटे उनके पास स्पीच का ट्रीटमेंट लेने आए, तो वो थोड़ा हैरान होता है, पर फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं, लायनल और प्रिंस अल्बर्ट। प्रिंस अल्बर्ट बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट के पास गए थे, तो वो बहुत नेगेटिव हो गए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी ये प्रॉब्लम कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी। तो यही बात जब वो लायनल को कहते हैं, तो लायनल कहते हैं कि अभी तक आपने जितना भी ट्रीटमेंट लिया है वो सब गलत है, मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। लायनल प्रिंस अल्बर्ट को एक पेपर देता है, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, और लायनल कहता है कि आप इस पेपर पर जो लिखा है उसको पढ़ो, बट आपको कान में हेडफोन लगाने हैं और उस पर मैं म्यूजिक बजा दूंगा, आपको सिर्फ बोलना है, आपको अपनी आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, इसको बस पढ़ दो आप। प्रिंस अल्बर्ट जब उसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर इरिटेट हो जाते हैं कि अरे मैं नहीं पढ़ूंगा, और वो उसको निकाल के रख देते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुमसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना। लायनल कहता है कि ठीक है, अगर आपको वापस मेरे पास नहीं आना है तो मत आइए, बट आपने जो अभी रिकॉर्डिंग किया उसका मैंने एक विनाइल रिकॉर्ड बना दिया है, इसको आप लेके जाओ घर पे सुनना इसको। उसके कुछ समय बाद प्रिंस अल्बर्ट के फादर किंग को क्रिसमस के दिन अपनी जनता को एक मैसेज भेजना था रेडियो पे, तो वो मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद किंग प्रिंस अल्बर्ट को कहते हैं कि अब ये मैसेज तुम पढ़ो। अल्बर्ट कहते हैं कि मैं ये मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं और मैं हकलाता हूँ, बट उसके फादर कहते हैं कि नहीं तुम पढ़ो। फिर अल्बर्ट मजबूरी में पढ़ना शुरू करता है, बट वो पढ़ ही नहीं पा रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, और लगातार उसके फादर उसको चिल्ला रहे थे। अल्बर्ट फिर अपने रूम में आता है और जो रिकॉर्डिंग वो लायनल के पास से लेके आया था अपने पढ़ने की, उसको वापस प्ले करता है, और जब वो सुनता है तो देखता है कि मैं एकदम सही से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही से मैंने पढ़ा है और कहीं भी हकलाया नहीं, तो उसको लगता है कि हाँ कुछ बात तो है लायनल में, और वो फिर वापस जाता है लायनल के पास कि ठीक है तुम अपना ट्रीटमेंट शुरू करो। इस तरह से लायनल प्रिंस अल्बर्ट का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अल्बर्ट की कंडीशन में सुधार आने लगता है। पर इसी बीच प्रिंस अल्बर्ट के फादर का निधन हो गया, और जब उनके फादर की डेथ हुई तो उनके बड़े भाई प्रिंस एडवर्ड को किंग बना दिया गया। प्रिंस अल्बर्ट ने लायनल को एक दिन बताया कि अब उनके बोलने में सुधार आ रहा है, अब वो हकलाते कम है, पर अभी भी जब वो अपने बड़े भाई से बात करते हैं तब वो हकलाने लगते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम हो जाती है उनको जब अपने बड़े भाई से बात करते हैं। तो इसके बाद लायनल ने कहा कि तुम
प्रिंस एल्बर्ट, तुम खुद एक बहुत अच्छे राजा बन सकते हो। इस बात से एल्बर्ट नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि तुम मेरे भाई की बुराई कर रहे हो और तुम जो कह रहे हो वो ट्रीजन के बराबर है, वो गद्दारी के बराबर है। और ये बोल के वो लायनल से गुस्सा होकर दूर चले गए और कहा कि मुझे तुमसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। दूसरी तरफ एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। जो अब किंग बन गए थे उनको एक अमेरिकन औरत से प्यार था, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो अमेरिकन औरत थी उसके दो डिवोर्स हो चुके थे और दोनों उसके एक्स हस्बैंड जिंदा थे। उस समय इंग्लैंड में ये होता था कि जो उनका किंग होगा वो इंग्लैंड में चर्च का भी हेड होता है, और चर्च के हेड के लिए ये रूल है कि वो किसी ऐसी औरत से शादी नहीं कर सकते जिनके डिवोर्स हो चुके हों और उनके एक्स हस्बैंड जिंदा हो। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत टेंशन क्रिएट हो रही थी। पर क्योंकि किंग उस अमेरिकन औरत से बहुत प्यार करते थे तो उन्होंने फाइनली अपनी किंग की गद्दी को लात मार दी और जाके उस औरत से शादी की। और इस तरह अब प्रिंस एल्बर्ट किंग बन गए और इनका नाम पड़ा किंग जॉर्ज द सिक्स्थ। उनके फादर का नाम था किंग जॉर्ज द फिफ्थ और इनका नाम हो गया सिक्स्थ। क्योंकि अब लायनल और प्रिंस एल्बर्ट जो किंग बन गए थे उनकी लड़ाई हो चुकी थी तो इनकी बातें नहीं हो रही थी, बट जब वो किंग बन गए तो फिर से एक बार वो लायनल से मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि मेरा अब राज सिंहासन पे मुझे बैठाने वाले हैं, मेरे पे मुकुट पहनाएंगे, तो उसकी एक सेरेमनी होती है और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो जहां पे किंग की कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली थी वहां पे प्रिपरेशन के लिए लायनल और किंग साथ में गए। वहां पे किंग ने अपने एडवाइजर्स को बताया कि ये मेरे डॉक्टर हैं और मुझे स्पीच देने में मदद करते हैं। उनके एडवाइजर्स ने फिर पता लगाया कि ये जो डॉक्टर बोल रहा है अपने आप को लायनल, ये एक्चुअली डॉक्टर नहीं है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, इसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। ये बात जब उन्होंने किंग को बताई तो किंग बहुत बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने लायनल को बोला कि तुम मुझे इतने दिन से झूठ बोल रहे थे, मुझसे फ्रॉड कर रहे थे, तुम टीचर भी नहीं हो, तुम थेरेपिस्ट भी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है और तुम किंग को जाके सिखा रहे हो, मेरे को थेरेपी दे रहे हो। फिर लायनल अपनी सफाई में कहता है कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरे पास कोई एजुकेशन है। मेरे घर के बाहर भी जो बोर्ड लगा है मेरे नाम का उसमें भी मैंने डॉक्टर नहीं लिखा है। वहां पे उनकी कुछ देर बहस होती है बट फाइनली किंग ये बात मान जाते हैं कि हाँ कुछ भी हो इस बंदे ने मुझे हेल्प तो की है और मेरा हक लाने का प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा कम तो हुआ ही है। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं इसी के साथ आगे बढ़ूंगा, मैं और किसी नए स्पीच थेरेपिस्ट को नहीं लेके आऊँ। तो वहां पे वो सेरेमनी एकदम ठीक ठाक हो जाती है और उसके बाद छिड़ जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 में ब्रिटेन को अनाउंस करना था कि वो जर्मनी के खिलाफ वॉर पे जा रहे हैं और ये अनाउंसमेंट सिर्फ इंग्लैंड का किंग कर सकता है। इसका मतलब फिर किंग जॉर्ज को रेडियो पे जाना पड़ेगा और अपने पूरे देशवासियों को संबोधित करना पड़ेगा। ये सोच के किंग बहुत डर जाते हैं और वो तुरंत कहते हैं कि लायनल को बुलाओ फटाफट क्योंकि मैं ये स्पीच उसके बिना नहीं दे सकता। लायनल वहां पे आते हैं, किंग को प्रिपेयर करते हैं स्पीच के लिए और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है किंग के लिए क्योंकि वो एक तरह से उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच था। वो स्पीच देने के लिए किंग एक रूम में जाते हैं, उनके साथ लायनल भी जाते हैं और वो स्पीच देना शुरू करते हैं और लायनल उनके सामने माइक के सामने खड़ा रहता है और उनको ऐसे ऐसे उनको कंडक्ट करता रहता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता रहता है बिना मुंह खोले। और ऐसे करते करते पूरी स्पीच वो बिना हकलाए खत्म कर देते हैं और इस तरह से किंग की लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीच थी वो बिना किसी प्रॉब्लम के खत्म हो जाती है और द किंग स्पीच फाइनली सक्सेसफुल हो जाती है। जैसा मैंने पहले बताया ये मूवी किंग जॉर्ज द सिक्स की रियल लाइफ पर आधारित है। उनको सच में बोलने में तकलीफ होती थी और वो काफी हकलाते थे। इस मूवी की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की बात करें तो ज्यादातर ये मूवी सही है बट इसमें कुछ छोटे छोटे डिटेल हैं जो उन्होंने ऐड कर दिए मूवी में जो रियलिटी में नहीं थे। इस मूवी में लायनल और प्रिंस की जो रिलेशनशिप दिखाई है वो बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत अच्छी, कई बार बहुत टेंस्ड और एक बहुत ही अद्भुत सी रिलेशनशिप है क्योंकि लायनल एक जगह तो उनका स्पीच थेरेपिस्ट था बट धीरे धीरे वो प्रिंस का दोस्त भी बनने लगता है। पिक्चर में ऐसे दिखाया है कि लायनल प्रिंस को बर्टी बर्टी कह के बुलाते थे। बर्टी प्रिंस एल्बर्ट का निकनेम था और वो निकनेम सिर्फ उनके घर वाले और उनके बहुत क्लोज लोग बुलाते थे, तो कोई स्पीच थेरेपिस्ट उनको बर्टी बोल के नहीं बुला सकता। इस पिक्चर में ऐसा भी दिखाया है कि लायनल प्रिंस एल्बर्ट के साथ बात करते समय स्वेयर करते हैं, गाली देते हैं, बट लायनल के जो असली ग्रैंडसन है उन्होंने कहा कि ना उन्होंने कभी प्रिंस एल्बर्ट को बर्टी बोल के बुलाया और ना कभी उनके सामने गाली दी। हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि इस मूवी में प्रिंस एल्बर्ट के फादर को, उनके बड़े भाई को और उनके बड़े भाई की गर्लफ्रेंड जो थी अमेरिकन, उनको थोड़ा सा ग्रे शेड में दिखाया है। ऐसा दिखाया है कि वो प्रिंस एल्बर्ट के थोड़े से एंटी थे, उनके लिए थोड़े से हॉस्टाइल थे, बट रियलिटी में ऐसा नहीं था। ये इस मूवी में सिर्फ ड्रामेटाइजेशन के लिए दिखा दिया गया। इस मूवी में जो लास्ट में स्पीच होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच है, ऐसा दिखाया है मूवी में कि उस स्पीच के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं, विंस्टन चर्चिल वहां पे आए हुए हैं,
और जनता बाहर इकट्ठा हुई और चीयर कर रही है। रियलिटी में ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। तो जैसा आप देख ही सकते हैं कि इस मूवी में ज्यादातर चीजें सही हैं। ये कुछ छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो उन्होंने ऐड कर दिए हैं पिक्चर को ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए। इस पिक्चर की एक और बहुत ही अनुपम अजीब सी बात है, जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको कुछ तो देखने में अजीब सा लगेगा। उसका रीजन ये है कि इस पिक्चर में इन्होंने जो कैरेक्टर्स हैं उनको सेंटर में नहीं रखा है फ्रेम के। नॉर्मली आप कोई भी पिक्चर देखते हैं या कोई भी वीडियो देखते हैं, जैसा आप यही वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो फ्रेम है वीडियो का उसके बीच में रहता है सब्जेक्ट, बट इस पिक्चर में साइड में रखा है, तो वो देखने से थोड़ा अजीब लगता है। उसके अलावा इस पिक्चर में बहुत क्लोजअप शॉट्स हैं, मतलब फेस के पास एकदम कैमरा रखा हुआ है, तो आपको सारे एक्सप्रेशंस क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके वजह से सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस और पावरफुल लगती है। एक और बहुत ही अनोखी चीज की है इस पिक्चर के डायरेक्टर ने, वो ये है कि उन्होंने इस पिक्चर को बहुत सारे सीन्स शूट करने के लिए उन्होंने एक अलग कैमरा लेंस का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि जो प्रिंस अल्बर्ट हैं वो हकलाते हैं और वो लोगों के सामने उनको बोलने में डर लगता है, उनको घुटन फील होती है, तो इस चीज को कैप्चर करने के लिए कैमरा पे उन्होंने एक अलग कैमरा लेंस का इस्तेमाल किया है। इसके वजह से आपको सीन जो नजर आएंगे वो आपको एक अलग तरह से डिस्टॉर्टेड अलग तरह से दिखाई पड़ेंगे, और वो भी ये फीलिंग जनरेट करते हैं आपके मन में कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी स्मार्ट टेक्निक्स इस पिक्चर के डायरेक्टर ने यूज की हैं आपके मन में ये फीलिंग जनरेट करने के लिए कि प्रिंस अल्बर्ट को कितनी घुटन हो रही है, उनको कितना डर लग रहा है। इस मूवी में एक्टिंग परफॉर्मेंसेस लाजवाब है। जो मेन एक्टर है कॉलिन फर्थ, जिन्होंने किंग का रोल किया है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। उनके साथ साथ लाइनर लोग जो उनके स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं उनकी भी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। मुझे पिक्चर काफी अच्छी लगी। मैं इस मूवी को स्कोर देता हूँ 8/10। इस पिक्चर में बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, बट मैं आपको दो स्पेसिफिक बातें बताऊंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली बात तो ये थी कि इस पिक्चर में स्टैमर को यानी हकलाने की तकलीफ को बहुत सीरियस तरीके से दिखाया गया है। नॉर्मली जब भी हम पिक्चर्स देखते हैं स्पेशली कॉमेडी मूवीज, तो हमको हकलाने की प्रॉब्लम को बहुत ही कॉमिक तरीके से बहुत ही फनी तरीके से दिखाया जाता है, तो अक्सर बहुत लोग ये बात रियलाइज नहीं करते कि जो लोग हकलाने की प्रॉब्लम से रियल लाइफ में डील करते हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है, उनकी पर्सनैलिटी उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट होती है, और कई बार ये हकलाने की प्रॉब्लम किसी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकती है, और ये चीज़ इस मूवी में बहुत खूबसूरती से दिखाई है। उसके अलावा लाइनल लोग का जो कैरेक्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली प्रिंस अल्बर्ट के जितने भी स्पीच थेरेपिस्ट थे लाइनल के पहले, वो सब उससे बहुत रिस्पेक्ट से बात करते थे, उससे डर के बात करते थे, बट लाइनल एकदम मतलब बिंदास बात करता था, वो उनको नाम से बोलता, बर्टी बुलाता था उनको, और उसके अलावा वो उनके साथ ऐसी लिबर्टीज लेता था, ऐसे ऐसे बात करता था जो नॉर्मली कोई बात नहीं कर सकता, बार बार उनको उंगली करता था, तो इस वजह से लाइनल और प्रिंस का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही उम्दा है इस पिक्चर में। शायद इसीलिए रियल लाइफ में भी ये किंग और लाइनल ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ये तो थी कहानी द किंग स्पीच की। अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड कोई और मूवी है जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में आपको कोई सवाल है, तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।